अब वेरी गुड इवनिंग गाइस, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम शैक्षिक विचारधाराएं पढ़ रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर में आदर्शवाद पढ़ा और दोस्तों अब नंबर है किसका, प्रकृतिवाद का। दोस्तों बहुत ही मजा आएगा। तो दोस्तों प्लेटो और उनकी पार्टी चिल्लाती रही ईश्वर को प्राप्त करो और पुण्य कमाओ, नैतिकता कमाओ। दोस्तों इसका घोर विरोध किया किसने, प्रकृतिवाद ने। उसने कहा जब ईश्वर दिखाई ही नहीं पड़ रहा है या फिर आत्मा परमात्मा का कोई क्या हम दर्शन कर सकते हैं, क्या इसे मूर्त रूप में जान सकते हैं। दोस्तों इसलिए उन्होंने इस ईश्वरी हावी धार्मिक शिक्षा का विरोध किया, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा का विरोध किया दोस्तों, और वास्तविकतावादी शिक्षा की तरफ एक कदम बढ़ाया दोस्तों। और जैसा है वैसा ही, नेचुरलिज्म क्या होता है दोस्तों, एक हद तक देखिए दोस्तों वास्तविकतावाद तो नहीं कर सकते, पर नेचुरलिज्म यही है कि जैसा है उसी को सच माना जाए। तो दोस्तों यथार्थवाद जैसा कुछ कुछ है, पर आगे बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि यह काफ़ी हद तक बहुत कुछ दोस्तों, थोड़ा सा आपको रुचि जागृत करने के लिए दोस्तों बता दूँ, निषेधात्मक शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रकृति की ओर लौटो, ये सारा शिक्षा में जो आज देन है वो कहीं ना कहीं प्रकृतिवादी शिक्षा की है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार बहुत बेहतर समझाऊंगा, पर एक बार तथ्य लेते हैं दोस्तों। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, जनक फ्रांसिस बेकन, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, सबके अलग अलग ब्रांच हैं, डार्विन, रूसो, लेमार्क, और ये लोग हमें बहुत, खासकर ये दो नाम हमें दोस्तों बहुत बेहतर समझाएंगे प्रकृतिवाद के। हमें आपको एक बार उदाहरण दूंगा दमदार, पर एक बार शुरू करते हैं डेफिनेशन जेम्स बार्ड से, क्या है प्रकृतिवाद एक बार देखें। प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है तथा आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है, और देखेंगे और आत्मा को पदार्थ के अधीन कर रहा है तथा अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोत्तम मानता है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, वो कह रहा है कि प्रकृतिवादी क्या कहते हैं कि ईश्वर और प्रकृति दो अलग अलग बातें हैं। मतलब दोस्तों कहने का सिंपल अर्थ ये है कि प्रकृति में कोई ईश्वरीय अंश नहीं है। मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेना चाहूँगा डार्विन का, लेमार्क का। डार्विन ने क्या कहा दोस्तों, लेमार्क ने किसका अध्ययन किया जरा सोचिए दोस्तों, यह एक सटीक उदाहरण आपको तुरंत बताएगा प्रकृतिवाद क्या है। उन्होंने, आपने सुना होगा, लेमार्क ने जिराफ का अध्ययन किया। जिराफ भोजन की टहनी की तलाश में अपनी गर्दन ऊंची करता है और कई पीढ़ियों बाद धीरे धीरे उसकी गर्दन ऊंची हो जाए। अगर ईश्वर होता, अगर नैतिकता होती तो जिराफ बैठ कर एक अगरबत्ती जलाता, हे ईश्वर यह पेड़ खुद गिर पड़े और मैं खा लूँ, पर क्या ऐसा हुआ नहीं। प्रकृति अपरिवर्तनशील है, एक मशीन की तरह चल रही है जिसका कोई भी नैतिक पक्ष नहीं, इट्स लाइक अ ब्लडी मशीन। तो दोस्तों उन्होंने कहा ईश्वर और प्रकृति दो अलग अलग बातें हैं, प्रकृति अपरिवर्तनशील है, चले जा रही है, जिसके पीछे कोई भी लक्ष्य नहीं है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है, इसको हम बदल नहीं सकते, बल्कि हमें खुद को प्रकृति के अनुसार बदलना होगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों डार्विन और लेमार्क, मतलब मैं दोस्तों रूसो और बेकन से बड़ा क्लू है समझने के लिए, हम बाद में रूसो पे आएंगे दोस्तों, अर्थात प्रकृति का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, प्रकृति नहीं बदलेगी, इसमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यह ईश्वरीय अंश इसमें नहीं है। इसलिए प्रकृति को समझने के लिए हमें खुद को प्रकृति के अनुसार ढालना होगा, प्रकृति को नहीं बदल सकते, हमें प्रकृति के अनुसार बदलना होगा। इसलिए प्रकृति को ही सबसे बड़ा क्या माना गया है दोस्तों, शिक्षक माना गया है। चलते हैं दोस्तों एक बार शुरू करते हैं, मुझे यकीन है ओपनिंग बातें बहुत ही धुआंधार रही। जेम्स वार्ड को फिर से लेते हैं। प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है तथा आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है तथा अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। वह फिर से सुनेंगे, मतलब दोस्तों उन्होंने कहा कि भाई प्लेटो ने क्या कहा कि अभी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इस संसार का, इस जगत का निर्माण किससे हुआ है, विचारों से, आत्मा से, ईश्वर से। फिर उन्होंने कहा नहीं साहब, लेमार्क भाई क्या भौतिकी क्या कहती है कि भाई अणु, परमाणु, दुनिया, ब्रह्मांड का निर्माण अणु से हुआ है। उन्होंने कहा इसमें ईश्वर जैसा कुछ नहीं है, हम पदार्थ से बने हैं। द कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं दोस्तों, अपने साइंस में पढ़ा है मैटर की संकल्पना, कि भैया मैटर का, पदार्थ का नाश नहीं होता, वह अपने रूप को बदल लेता है। तो फाइनली दोस्तों यह बात करता है प्रकृतिवाद कि हम किसी ईश्वर से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि हमारी रचना पदार्थ से हुई है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई दोस्तों, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। और अगला दोस्तों,
ब्राइस दोस्तों, हम आप फिर से एक बार मैं दोस्तों वापस आऊँगा और ये कहूँगा क्यों दोस्तों ऐसा कहा प्रकृतिवादियों ने, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रॉन्स की रचना पढ़ी, प्रोटॉन्स की रचना पढ़ी, आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा, आपने क्या देखा दोस्तों साइंस के नियम सार्वभौमिक हैं, ये हर जगह सत्य हैं, इनमें कोई नियम टूटता नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह बाइबल का नियम नहीं है, रामायण महाभारत का नियम नहीं है, भगवद गीता का नियम नहीं है, बल्कि साइंस का नियम है जो किससे बना हुआ है दोस्तों, प्रकृतिवाद से। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलेंगे दोस्तों ब्राइस की परिभाषा, फिर से देखिए दोस्तों वही बात है, प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जिसकी मुख्य विशेषता ईश्वर या आध्यात्मिकता का क्या करना है दोस्तों, विरोध करना है, वही बात है, मतलब बेसिकली आदर्शवाद के खिलाफ ही आया दोस्तों कौन, प्रकृतिवाद। बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत दमदार लेक्चर एक बार लेंगे, प्रमुख बिंदु मैं एकदम दूर रहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप एकदम देखते रहें और आपको मजा आए दोस्तों, ताकि हमको पढ़ने में इस लेक्चर को मजा आए थोड़ा। प्रकृति ही सर्वोच्च सत्ता है जो अपरिवर्तनीय है और जिसका ईश्वर से कोई भी लेना देना नहीं है, जो मैंने बोला, मतलब उन्होंने कहा प्रकृति चले जा रही है, मतलब सोचिए दोस्तों उन्होंने क्यों कहा कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, भाई दिन अपने समय पे होता है, रात अपने समय पे होती है, आंधी तूफान विनाश सुनामी सब अपने ठीक समय पे आ जाते हैं दोस्तों, क्या हम इन्हें बदल पा रहे हैं, उत्तर है नहीं। तो उन्होंने कहा क्योंकि प्रकृति के नियम नहीं बदलते हैं, इसलिए भाई हम उसी से, भाई एक बात बताइए, हम उस पाठ्यक्रम को क्यों सीखें जो रोज आगे आएगा, हम उसमें बात करेंगे दोस्तों, यह बहुत मजेदार चैप्टर है। उन्होंने कहा हम उस व्यक्ति से क्यों सीखें जिसके नियम, भाई दैनिक दुनिया में कृत्रिम बनावटी दुनिया का विरोध किया रूसों ने, उन्होंने कहा हम बच्चे को वो क्यों सिखाएं जो बदल रहा है, उन्होंने कहा भैया प्रकृति जिसमें कोई बदलाव नहीं है, दिन रात सब अपने समय पे हो रहे हैं, तो क्योंकि प्रकृति के नियम अपरिवर्तनशील हैं, इसलिए प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षक है दोस्तों। देखिए ना, प्रकृति ही सर्वोच्च सत्ता है जो अपरिवर्तनीय है और जिसका ईश्वर से कोई भी लेना देना नहीं है। संसार की उत्पत्ति, देखिए दोस्तों मजेदार दमदार लेक्चर है, संसार की उत्पत्ति प्रकृति या पदार्थ से हुई है, न कि ईश्वर से, और अंत में सब कुछ प्रकृति में ही क्या हो जाता है दोस्तों, विलीन हो जाता है। भौतिक या प्राकृतिक जगत ही सत्य है, ये देखिए दोस्तों वही बात है, उन्होंने कहा दोस्तों कि आध्यात्मिक जगत जैसी कोई चीज नहीं है, यह दुनिया पदार्थ से बनी है, पेड़ पौधे फूल पत्तियां हमको दिख रही, ईश्वर थोड़ी दिख रहा है, वो कह रहा है ये सारे पदार्थ हैं और ब्रह्मांड की रचना पदार्थ से हुई है। देखेंगे दोस्तों, भौतिक या प्राकृतिक जगत ही सत्य है, आत्मा के चक्कर में भौतिक शरीर को कष्ट देना गलत है, मतलब उन्होंने कहा आप ये आपके पास पॉकेट, भाई भौतिक शरीर क्या है, इस शरीर को मत जलाओ, मतलब बाकी पुरुषार्थ दोस्तों। एक कहावत है, मुझे एक कहावत याद आ गई दोस्तों, मेरे डैड कहा कहते थे तुलसी धन धाम शरीरे से, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि धर्म कर्म भी तभी तो होगा भैया जब शरीर जिंदा रहेगी। तो उन्होंने कहा आत्मा के चक्कर में, परमात्मा के चक्कर में, भैया आपके पॉकेट में पैसा है और आप खाने के मूड में हो, भैया आदर्शवाद क्या कहेगा, नहीं 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 आप मत खाओ, आप ज़्यादा खुश रहोगे, आप ईश्वर से अलग हो जाओगे, यह विलासिता, अरे यार आदमी क्या भूखों मरेगा। तो उन्होंने क्या कहा दोस्तों, एक बार सुनेंगे, भौतिक या प्राकृतिक जगत ही सत्य है, आत्मा के चक्कर में भौतिक शरीर को कष्ट देना दोस्तों क्या है, निरर्थक है। मूल बातें दोस्तों समझा रहा हूं, सत्य जानने के लिए इंद्रियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम अपरिवर्तनशील हैं, अतः प्रकृति ही सबसे बड़ी दोस्तों क्या है शिक्षक, मतलब उन्होंने कहा दोस्तों हम सत्य को आंख बंद करके तपस्या करके नहीं जान सकते, भाई सत्य कैसे जाना जा सकता है, सूख कर देखकर स्पर्श करके, भाई भौतिक होगा तभी तो ये सारी चीजें होगी। इसलिए दोस्तों आपने सुना होगा कि रूसों ने इंद्रिय आधारित शिक्षा को बहुत ज्यादा वरीयता दी। बाद में दोस्तों आपने जो मॉन्टेसरी प्रणाली पढ़ी है, मॉन्टेसरी प्रणाली जो आपने मारिया मॉन्टेसरी की पढ़ी है दोस्तों, उस पर रूसों की इंद्रिय आधारित शिक्षा का गहरा प्रभाव है, हम आगे बात करेंगे दोस्तों। और अगला है दोस्तों, अर्थात प्रकृतिवादी शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जगत या प्रकृति की गोद में विकास मानते हैं। अब दोस्तों इस बात का क्या अर्थ, एक बार तोड़ेंगे, उन्होंने कहा क्योंकि पदार्थ से बनी है प्रकृति और पदार्थ से ही बना है हमारा ये शरीर, तो हम तो जन्म से ही प्रकृति के नजदीक हैं,
हम में प्रकृति की हर शक्ति मौजूद है, क्योंकि जिस पदार्थ, ध्यान सुनेंगे दोस्तों, मैं आपको सीधा भौतिकी की तरफ थोड़ा ले जा रहा हूँ, जिस पदार्थ से हमारा शरीर बना है उसी पदार्थ की उपस्थिति कहाँ है, प्रकृति में। इसलिए दोस्तों हमारा शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमें अपनी अंतर्निहित प्राकृतिक शक्तियों का बाह्य प्रकृति के साथ क्या करना है दोस्तों, समायोजन करना है दोस्तों, जीवन में अनुकूलन सीखना है। फिर से लैंडमार्क पे वापस आ रहा हूँ, हमें प्रकृति के अनुसार खुद को ढालना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम खुद प्रकृति के अनुसार ढाल नहीं पाए तो वैसे भी प्रकृति हमारा नाश कर देगी। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे प्रकृति में दोस्तों अपने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स पढ़ी होगी, नदियों झीलों के किनारे जो पोएम्स लिखी होगी दोस्तों, यह सिद्धांत बहुत तरीके से समझा जा सकता है। दोस्तों जैसे मानव, मैंने अभी क्या बोला कि प्रकृति का संतुलन बिगाड़ोगे तो प्रकृति कोई भगवान या राक्षस नहीं है, वह तो मशीन की तरह चल रही है, उसका बैलेंस बिगड़ेगा तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, मनुष्य जंगलों को काटता चला जा रहा है। अब दोस्तों प्रकृति थोड़ी आएगी आपको फ़ोन करके बताने, बेटा रुक जाओ पेड़ मत काटो वरना मैं सूख जा दुनिया में सूखा आएगा। प्रकृति चुपचाप मशीन की तरह चल रही है, आप बैलेंस बिगाड़ोगे बैलेंस बिगड़ेगा, सूखा आएगा दोस्तों, भयंकर भूकंप आएंगे। तो दोस्तों यह क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है क्या कि अर्थात प्रकृतिवादी शिक्षा को अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जगत की गोद में क्या मानते हैं दोस्तों, विकास मानते हैं। मजा आ रहा होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। अगला रूसो, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से क्या हो, प्रस्फुटित हो, जो अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति हो। दोस्तों मतलब रूसो ने वही कहा कि दोस्तों बाहर कोई शिक्षा नहीं है, मनुष्य ने जो मोटी मोटी, दोस्तों आपने सुना होगा उनका रूसो का नारा था प्रकृति की तरफ लौटो, उनका वो कोटेशन आपको बड़े अच्छे से याद होगा जिसे उन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। उन्होंने क्या कहा दोस्तों कि प्रकृति में हर वस्तु की अपनी एक पहचान है, इसलिए मनुष्य जो पदार्थ से पैदा हुआ है उसकी भी एक स्वतंत्र पहचान है, पर ये बनावटी दुनिया के लोगों ने मोटी मोटी किताबें छापकर हमें वास्तविकता से दूर कर दिया है दोस्तों, इसीलिए हम आगे और बात करेंगे दोस्तों। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सच्ची शिक्षा वही है जो बाहर किताबों से ना आए, क्योंकि प्रकृति से हम बने हैं, हमारे अंदर अंतर्निहित है वो सारी प्राकृतिक शक्तियाँ, उनको ही पूरी तरह से अंदर से आती है शिक्षा, न कि कहीं बाहर किताबों से आती है दोस्तों। यह बहुत फेमस कोटेशन है रूसो का। और दोस्तों एक और कोटेशन देखिए हर्बर्ट स्पेंसर का, दोस्तों हर कोटेशन आपको प्रकृतिवाद साफ करता है, शिक्षा से आशय अंतः शक्तियों का बाह्य जगत के साथ समन्वय स्थापित करना है। यही बात दोस्तों मैं आपको कह रहा था कि भाई प्रकृति के अंश हम हैं और बाहर जो प्रकृति है उन दोनों के बीच हमको बैलेंस बनाना है, यही हमारी शिक्षा का मुख्य आशय है दोस्तों। ऐसा कहता है कौन, हर्बर्ट स्पेंसर। बहुत मजा आएगा दोस्तों आपको, यह लेक्चर रियल में ही दोस्तों बहुत ही दमदार होने वाला है। चलेंगे आगे, अतः प्रकृतिवादी, सुनिए फिर क्या कहते हैं प्रकृतिवादी, बहुत मजा आएगा। अतः प्रकृतिवादी प्रकृति का अनुसरण करने, बालक को शिक्षा का केंद्र मानने, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करने तथा निषेधात्मक शिक्षा में विश्वास करते हैं। मूल शायद दोस्तों यह लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब वो क्या कहता है कि भैया बाहरी शिक्षक की जरूरत नहीं है, इसीलिए दोस्तों आपने सुना होगा कि रूसो को मैंने पिछले लेक्चर्स में लिया, रूसो ने क्या कहा कि शिक्षा का केंद्र, बाल केंद्रित शिक्षा में मैंने आपको क्या बताया कि शिक्षा का केंद्र बालक है। हमको टीचर तो बाहरी दुनिया से आया है, जो 10 किताबें पढ़ के बीएड बीटीसी करके आया है, वो कहते हैं या तो कृत्रिम बनावटी शिक्षा है, तो हम फिर वास्तविक शिक्षा क्या है, प्रकृति का अनुसरण करने, बालक को, बताया मैंने बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है दोस्तों, प्रकृतिवादियों की देन है, बालक को शिक्षा का केंद्र मानने तथा पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करने, बोला ना बनावटी शिक्षा नहीं, तथा निषेधात्मक शिक्षा में विश्वास करते हैं। थोड़ा मैं दोस्तों यहाँ बता दूं, कई बार आ चुका है, निषेध मीन्स होता है मना करना, और दोस्तों कई दो तीन बातें आपको ध्यान रखना है, बाल केंद्रित शिक्षा और निषेधात्मक शिक्षा किसकी देन है दोस्तों, प्रकृतिवादियों की। उन्होंने मना किया शिक्षा से, न कि शिक्षा, मतलब उन्होंने कहा कि भैया बालक में तो हर प्राकृतिक शक्ति मौजूद है, उसे मालूम है सत्य क्या है,
सही, मतलब प्रकृति ने कुछ भी गलत नहीं सिखाया, प्रकृति तो सही ही सिखाएगी क्योंकि प्रकृति के अपने नियम है, वो चली जा रही है। उन्होंने कहा बालक को प्राकृतिक शिक्षा दीजिए, बाहरी कृत्रिम शिक्षा से बचाइए। तो जो बनावटी शिक्षा किताबी पुस्तकी ज्ञान से बचाने के लिए कहा गया है, मना किया गया है दोस्तों, उसी को हम कैसी शिक्षा कहते हैं? निषेधात्मक शिक्षा। मैं एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। मतलब रूसो कहता है बच्चे को ईमानदारी मत सिखाओ, बेईमानी सिखाओ, क्योंकि प्रकृति तो पूरे ईमानदारी से दिन रात दोपहर कर रही है और बच्चा भी उसी पदार्थ से बना है, उसे सब मालूम है। हम उसे बेईमानी से बचाएं, बच्चे को सच्चाई मत सिखाइए, झूठ बोलने से बचाइए। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। निषेध, कृत्रिम शिक्षा से बच्चे को बचाना ही कैसी शिक्षा है दोस्तों? निषेधात्मक शिक्षा है। और अब चलेंगे दोस्तों आगे से। उनका मानना था क्योंकि प्रकृति, दोस्तों चलेंगे, उनका मानना था कि क्योंकि प्रकृति अपरिवर्तनशील है और सबसे बेहतर शिक्षक है, अतः प्रकृति की ओर लौटो। वही दोस्तों मैंने कहा कि बिकॉज द लॉज ऑफ नेचर आर परमानेंट, दे कैन नॉट बी चेंज, सो वी शुड फॉलो द नेचर। मतलब वो कह रहे हैं भैया, जब भैया फाइनली प्रकृति के नियम नहीं बदलने हैं, फाइनली भैया हमको तो प्रकृति के अनुसार ही खुद को ढालना है। तो दोस्तों अगर आज के डेट में मैं बोलूं तो क्या है रूसो, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। जैसे आज डीपीएस स्कूल्स हैं दोस्तों, जो इतने महंगे स्कूल्स हैं कि हम उनको उनके एक तो इतनी मोटी फीस लेते हैं दोस्तों, फिर भी वी गाइज हम मरे जा रहे हैं अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने के लिए। हर साल किताबें अपडेट होती हैं, बड़े भाई मतलब उनका सिस्टम इतना ढोंग से भरा है कि दोस्तों बड़े भाई की किताब छोटा भाई नहीं पढ़ सकता, उसको फिर से अपडेट। यूँ मोटी मोटी पाँच यूँ पतली पतली किताबें 500-500 के बेच रहे हैं, ड्रेसें जा रहे हैं आप मजबूर हो खरीदने के लिए। तो दोस्तों हर साल बदल रहा है। तो रूसो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है प्रकृतिवाद, कि भैया ऐसी बनावटी कृत्रिम बाहरी शिक्षा से क्यों सीखना जो हर साल बदल रही है। मूल बात समझिए, उन्होंने कहा दोस्तों हमें तो वास्तव में उससे सीखना है दोस्तों जो नहीं बदलता, और वह कौन है दोस्तों? प्रकृति है। इसलिए प्रकृतिवादी प्रकृति की ओर लौटने की बात करते हैं। अगला प्रकृतिवादी, देखिए दोस्तों मैंने आपको बोला था ना, प्रकृतिवादी प्रकृति को यांत्रिक मानते हैं, जो एक मशीन की तरह अनवरत चल रही है, जिसके पीछे कोई भी नैतिक या ईश्वरीय शक्ति नहीं है। दोस्तों उन्होंने क्या कहा, भैया यह संसार पदार्थ से बना है, अणु से बना है, परमाणु से बना है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, यहाँ बाइबल रामायण या महाभारत काम नहीं करती, क्योंकि साइंस के लॉज अनवरत सत्य हैं, ब्रह्मांडी हैं, पूरी दुनिया में सच हैं, हमें प्रकृति के इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा किसने? न्यूटन ने। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की खोज की गई, पर दोस्तों कहाँ से खोज की गई? प्रकृति से। प्रकृति में ये चीज पहले से मौजूद थी, तभी भाई न्यूटन ने कोई गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं बनाया, उन्होंने बनाया नहीं दोस्तों, उन्होंने यह नियम खोजा, आविष्कार नहीं किया इस नियम का, क्योंकि यह शक्ति पहले से ही प्रकृति में क्या थी दोस्तों? मौजूद थी। ऐसा कौन कहता है? हमारा प्रकृतिवादी। दोस्तों बहुत आशा करता हूं बहुत ही मजा आया होगा आपको इस लेक्चर में। आगे मनुष्य जब जब, वही बातें मैंने बोला दोस्तों, इसमें दोस्तों एक मैसेज भी है, आप इसमें कोरोना वायरस का प्रकोप देख रहे हैं दोस्तों, यह करंट लेक्चर है, आपको मजा आएगा। मैं चाहूंगा कि यह लेक्चर दोस्तों आप लाइव देखें और आपको बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। चलेंगे एक बार देखते हैं मनुष्य, और आपको यह भी पता चलेगा कि हम चंद्रा इंस्टीट्यूट के लाइव रूम में क्या गुणवत्ता आपको दे रहे हैं दोस्तों, यह लेक्चर आपको बताएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा क्या हुआ, बीच में लॉकडाउन था, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आई दोस्तों, हम भी फिर भी आज भी हम जान अपना जोखिम, जो कि आप जान रहे दोस्तों इलाहाबाद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही, फिर भी हम आपको लगातार क्लास दे रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैं चाहूँगा दोस्तों एक बार इस लेक्चर को देखें और अपना फीडबैक एक बार देखेंगे। मनुष्य क्या है प्रकृतिवाद, एक बार देखिए, मनुष्य जब जब प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करता है, परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं, प्रकृतिवादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, एक बार देखना। तो अब क्या है, वो कह रहा है ईश्वर नहीं, मैंने अभी ऊपर वाली लाइन में क्या कहा कि भैया पेड़ काटोगे तो बारिश का कम होना तो तय है, पेड़ काटोगे तो भूकंप का आना तो तय है दोस्तों, परमाणु युद्ध करोगे तो प्रकृति सूखा लाएगी, आदमी भूखों मरेगा, क्योंकि दोस्तों प्रकृति ईश्वर नहीं है, जाने दो बच्चा है पाप कर दिया उसको माफ कर दो, प्रकृति इज रनिंग लाइक अ ब्लडी मशीन, वह आपको नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए नहीं कि आपने पाप किया है, इसलिए कि वह एक मशीन है और उसका बिगड़ रहा है, इससे क्या दोस्तों संतुलन, जैसे भाई एक मशीन चल रही है, प्रकृति इज लाइक अ मशीन,
भाई मशीन चल रही है उसका संतुलन बिगड़ेगा दोस्तों, तो आपको निश्चित ही दोस्तों निश्चित ही आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। किसी पाप और पुण्य के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने के लिए, जो एक मशीन की तरह है। अगला दोस्तों चलेंगे, प्रकृतिवादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। अब देखिए यहाँ पाप पुण्य का लेखा जोखा पूजा पाठ नहीं है दोस्तों, एकदम अलग है। देखिए प्रकृतिवादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य अपनी रक्षा करना, जीवन की भौतिक आवश्यकता, पूजा पाठ नहीं है भैया, पेट है तो भोजन की अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा, संतति पालन, संतानोत्पत्ति करना भैया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से जाने के लिए यौन संबंधों का महत्व है, यह मानता है कौन? प्रकृतिवाद। अवकाश के समय का सदुपयोग करना भैया, ये नहीं कि भाई मत हंसो, ज्यादा विलासिता मत करो वरना आप पापी हो जाओ, करे भैया जीवन को बनाने के लिए कलाएं या कविताएं भी जरूरी है दोस्तों, एवं सामाजिक एवं राजनीतिक संबंध जिम्मेदारियों का क्या है दोस्तों, निर्वहन है। चलेगा आगे और अब देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। रूसो का मानना था कि शिक्षा द्वारा मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाया जाना चाहिए, यही तो कहता है दोस्तों रूसो कि प्रकृति की तरफ लौटो, शिक्षा द्वारा जीवन जीने योग्य बनाओ, किसके लिए? प्राकृतिक जीवन जीने योग्य। और चलेंगे दोस्तों शिक्षा द्वारा, दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकृति, आई मीन प्रकृतिवादी शिक्षा का एक बहुत बड़ा पॉइंट, शिक्षा द्वारा हम बच्चे में कुछ नया नहीं पैदा करते, बल्कि उसके अंदर आई कृत्रिमता या बनावटीपन को दूर करके प्रकृति की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्रकृतिवादी शिक्षा को कैसी शिक्षा कहा गया? निषेधात्मक शिक्षा कहा गया दोस्तों। मैं एकदम पूरा मैंने बोला आपको भाई प्रकृतिवादी क्या क्या कहते हैं भैया कि आप बच्चा तो खुद उसी पदार्थ से बना है जिससे प्रकृति बनी है, तो आप शिक्षा द्वारा कौन सी नई चीज उसमें डाल दोगे? इसलिए आप उसे नवीन सिखाने के बजाय बाहरी कृत्रिम बनावटी शिक्षा से बचाओ। और दोस्तों इसलिए बचाने के कारण, मना करने के कारण, अवॉइड करने के कारण रूसो या प्रकृतिवादियों की शिक्षा दोस्तों क्या कहलाई? आपकी शिक्षा निषेधात्मक। चलेंगे दोस्तों निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है बालक को सही गलत मत सिखाओ, सही मत सिखाओ बल्कि गलत से बचाओ, क्योंकि मैंने आपको पीछे ही बोला कि सही तो वह पहले से ही जानता है। अगला रूसो, प्रकृति के नियंता के हाथों से तो हर वस्तु शुद्ध ही आती है, पर मानव का स्पर्श उसे दूषित कर देता है। जैसा कि देखिए दोस्तों वही कह रहा है ना भैया, प्रकृति के भाई प्रकृति तो मशीन की तरह चल रही है, वहां तो शुद्धता है भाई, उसके नियम बदलते नहीं है, जो है सो है, उसमें कोई भी मिलावटीपन नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रकृति के हाथों से तो हर वस्तु शुद्ध ही आती है, लफड़ा कब होता है? जब बनावटी मानव सभ्यता उसे क्या करती है? टच करती है दोस्तों। और हर्बर्ट स्पेंसर का कथन लेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर सॉरी रॉस का मानना है कि प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की को प्रकृति की तरह यांत्रिक बनाकर क्या बनाना है? कुशल बनाना है। अठवा दोस्तों, मैंने लास्ट में जो बोला अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए होंगे, लैमार्कवाद की अगर बात करें या डार्विन के सिद्धांत की बात करें, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीव को प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित कराना है। मुझे यकीन है दोस्तों यह लेक्चर मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइव जाए और आप इसे देखें। प्रकृतिवादी बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं, उनके अनुसार पाठ्यक्रम या शिक्षण विधि आदि का चयन बालक की जरूरतों, रुचियों, क्षमता व ग्रहण शक्ति आदि को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। मतलब दोस्तों उन्होंने वही तो कहा कि भैया शिक्षा का केंद्र कौन है? शिक्षा का केंद्र दोस्तों बालक है, इसलिए वरीयता उसको दीजिए। गुरुजी को वरीयता देने की जरूरत नहीं, गुरुजी तो बाहरी दुनिया से कृत्रिम मोटी मोटी किताबें पढ़ के आए हैं दोस्तों। तो उन्होंने क्या कहा एक बार देखेंगे, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम एक बार हल्का सा देखेंगे दोस्तों, कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों। हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रकृतिवादी शिक्षा के कुछ पाठ्यक्रम बताए हैं जो मैं देखूंगा। उन्होंने पाठ्यक्रम को चार भागों में बांटा है दोस्तों, पांच भागों में, अपनी रक्षा करने के लिए, जीवन जीविकोपार्जन दोस्तों, मैं नहीं कहा अध्यात्मवाद की तरह भैया भूखो मरो ईश्वर को प्राप्त हो जाओ, उन्होंने कहा भैया जीवन जीना है तो रोजी रोटी कमानी पड़ेगी, संतति पालन, संतानोत्पत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए, सामाजिक शिक्षा, सोशल रिलेशंस, अवकाश, मनोरंजन आप कह सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं, आत्मरक्षा के लिए दोस्तों शरीर विज्ञान, आपको शरीर कि भाई स्वास्थ्य इत्यादि की जानकारी कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आप कौन सी दवा लो, कैसे फिट रहो, देख सकते हैं आप। स्वास्थ्य शिक्षा, सहन विज्ञान, व्यायाम आदि। जीविकोपार्जन के लिए दोस्तों देखिए, जीविकोपार्जन के लिए क्या है आपको भाई? आपको इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, देख लीजिए वैज्ञानिक विषय, गणित, भूगोल, ये सब आप सीखोगे तो आपको कहीं नौकरी मिलेगी, तभी तो रोजी रोटी चलेगी दोस्तों। संतति पालन के लिए दोस्तों यौन शिक्षा, बच्चे का ध्यान कैसे रखें इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की, महिलाओं के लिए गृह विज्ञान आदि की।
सामाजिक शिक्षा दोस्तों, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र दोस्तों, संबंधों को सोशल रेशनल इंटरनेशनल संबंधों को मैनेज करने की प्रणाली, और दोस्तों अवकाश, अवकाश में दोस्तों जब आपके पास मुफ्त का वक्त है, फ्री वक्त है, आप काम करके, सिंपल सी बात है यार दोस्तों, हम ही आप आते हैं एकदम थके हारे ऑफिस आते हैं दोस्तों, हमारा मन करता है थोड़ी देर गाने देख लें, थोड़ा अपने पसंद की मूवी देख लें, या थोड़ा खेल देख लें, क्रिकेट मैच देख लें। दोस्तों उन्होंने कहा कि आदमी कोई ऐसा थोड़ी है भाई ऊब जाएगा, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए दोस्तों संगीत, साहित्य और ललित कलाएँ आदि का भी सहारा ले सकता है। और एक बार देख ले दोस्तों, अब जो आदमी कहेगा आप जंगलों में सीखो, आप करके सीखो, आप पेड़ पौधों से सीखो, मुझे यकीन है आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का वो लेक्चर याद, दोस्तों कविताएं याद होगी, और उसी पर आधारित क्या कह रहा है कि प्रकृतिवादियों की शिक्षण विधि में करके सीखना, अपने द्वारा सीखना, भ्रमण द्वारा सीखना, या खेल द्वारा सीखना, या इंद्रियों द्वारा, तो दोस्तों यही होगा ना। मैंने आपको पहले बोला था कि भाई बच्चों को खेल सहज पसंद होता है, नेचुरल बच्चे खेलना चाहते हैं, इसलिए खेल विधि से सिखाइए। भाई जो पेड़ पौधों से सीखने के लिए कहेगा वो कौन सी विधि कहेगा, भ्रमण विधि ही तो कहेगा दोस्तों। और अब चलेंगे दोस्तों लास्ट में, देखिए दोस्तों दो तीन बातें, दो चीज़ें, एक भूमिका किसकी, शिक्षक की, शिक्षक की भूमिका। तो दोस्तों प्रकृतिवाद मानता है कि गुरुजी कोई भगवान नहीं है, वो आदर्शवादी ईश्वरीय अंश को छीन लेता है, वो कहता है वह भी एक सामान्य व्यक्ति है, बच्चा तो खुद ही प्रकृति की गोद में सीख रहा है, तो आप पहले ही समझ गए हैं। इसलिए प्रकृतिवादी कहते हैं कि शिक्षक परिस्थिति निर्माण करे, बच्चे को पथ प्रदर्शन करे, ज़्यादा बार बार टांग ना लड़ाए दोस्तों, बच्चा खुद से सीखेगा। सुविधा प्रदाता दोस्तों, आपने देखा होगा सी टेट, सुपर टी टी टेट में क्वेश्चन छाया हुआ है, शिक्षक की भूमिका सुगम करता, जो आसान बनाता हो, परिस्थिति निर्माण करता हो, सुलभ करता, सुविधा प्रदाता, मतलब उन्होंने कहा कि शिक्षक अगर टांग नहीं लड़ाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वह गाइड बने, पथ प्रदर्शक बने, जरूरत पड़ने पर सलाह दे, पर बार बार बच्चे को डिस्टर्ब मत करे, वरना उसका प्राकृतिक विकास दूषित हो जाता है। और लास्ट में दोस्तों अनुशासन, ध्यान सुनेंगे दोस्तों, अनुशासन का एक कॉन्सेप्ट, अनुशासन, जैसा मैं सबको एक साथ ले रहा हूँ दोस्तों सारे तथ्य, उन्होंने कहा कि अनुशासन का अर्थ डंडा मारना नहीं है, प्रकृति खुद अनुशासन सिखाएगी। जैसे दोस्तों एक बच्चा, प्रकृति दोस्तों क्या कहा रूसो ने, भाई एक बच्चा अगर आग के पास चला गया, आप देखोगे तभी तो मना करोगे, पर आपने देखा ही नहीं तब तो सीधा आग के पास चला जाएगा। अब उसने जैसे ही हाथ आग की तरफ बढ़ाया, उसे आग की लौ महसूस हुई, उसने तुरंत हाथ नीचे उठाया, तभी तो उसने कहा भैया कि प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षक है, प्रकृति खुद बच्चे को अनुशासन सिखाएगी, क्योंकि गलत करने पर, कुछ प्रकृति के नियम तोड़ने पर, प्रकृति खुद बच्चे को क्या करेगी दोस्तों, दंडित करेगी दोस्तों। तो यह रहा दोस्तों मोटा मोटा प्रकृतिवाद का समझाने का तरीका आपका, आशा करता हूं दोस्तों कि यह लेक्चर आपको बेहतर लगा होगा, मैं चाहता हूं प्लीज़ इस पर अपना फीडबैक दें, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। टिल देन आई आरपी मिश्रा वुड लाइक टू से गुड बाय टू यू गाइस, थैंक यू।